आप सब लोग जो इस हॉल में मौजूद हैं, मैं आपका खैर मकदम करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको नमस्कार और सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, अभी मंच पे मौजूद हमारे सदर साहब ने कहा कि मुझे तकरीर करने के लिए एक घंटे की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई, 4.5 सालों का झूठ चंद अल्फाजों में बोलूं कैसे, 4.5 सालों का झूठ चंद अल्फाजों में बोलूं कैसे, दर्दे बयां हजारों साल के, दर्दे बयां हजारों साल के एक्सेप्टेड लोग हैं, उनका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ एक खेल खेला जा रहा है। वो खेल ये है कि इतनी चीजें आपके सामने रख दी जाए कि आप तय ही ना कर सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। और ये जो साजिश है, ये नए तरीके की ब्रिटिश पॉलिसी है। पुराने जमाने के जो ब्रिटिश थे, जिनके वक्त हमने गुलामी झेली, जिनके खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई हुई इस देश के भीतर, इस मुल्क के भीतर, और तमाम तरीके के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम समुदाय और जाति के लोग, लिंग भाषा बोली के लोग मिल करके उन अंग्रेजों को इस देश से बाहर किया, अपना राज स्थापित किया, एक बेहतरीन संविधान स्थापित किया गया। और ये कोशिश की गई कि जिन लोगों ने अपने जान गंवाए, चाहे वो अशफाकुल्ला खान हो, भगत सिंह हो, वो तमाम लोगों के विचारों का देश कैसे बने, और उनके विचारों को, उनकी लड़ाइयों को, उनके संघर्षों को एक दस्तावेज के तौर पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के दूसरे लोगों ने मिल करके एक संविधान का रूप दिया, और उस संविधान को लागू करते हुए हमने ये शपथ ली, यह देश तमाम लोगों का है। इस मुल्क में, इसकी ज्योग्राफी में रहने वाले वो तमाम लोग इस देश के नागरिक हैं, और सबका अधिकार बराबर होना चाहिए, इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। लेकिन ठीक उसी वक्त जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ उस वक्त भी चाय पे चर्चा कर रहे थे और आज भी चाय पे चर्चा कर रहे हैं, वो आज मुल्क की गद्दी पे काबिज हुए हैं, और उन्होंने अंग्रेजों से कुछ सीखा है। डिवाइड एंड रूल तो वो सीखे नहीं है, इसके साथ साथ उन्होंने डाइवर्ट एंड रूल भी उन्होंने सीखा है। और इसीलिए आज जब कोई बोलने के लिए खड़ा होता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो बोले कैसे। डर का ऐसा माहौल है कि यदि आप बेबाकी से बोलने की हिम्मत करते हैं, जो कि आपके इंसान होने का वजूद है, कि आप इंसान हैं तो बोलेंगे, आपके सामने यदि कुछ गलत होगा तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इन तमाम तरीके की आवाज़ों को पहले डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर भी यदि ना माने, कहते हैं कि यह मुल्क दीवानों का मुल्क है, भगत सिंह के मानने वाले लोगों का मुल्क है। इस देश में लोगों ने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना कबूल किया था, लेकिन गुलामी को मानना स्वीकार नहीं किया था, और इस वजह से उनको डराया और धमकाया जाता है, फिर भी वो नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, उनको जेलों में डाला जाता है, और एक एक करके जो आवाज है, जो मुखालफत की आवाज है, उसको बंद करने की कोशिश की जाती है। पहला सवाल यह है कि इस डर के माहौल से हम बोलने का साहस जुटाएं कैसे, और यदि आप साहस जुटा लें, इस मुल्क की विरासत की बदौलत, एक हिंदुस्तानी होने का जो आपका ताकत है, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट से यदि आप बोलने की ताकत जुटा भी लें, तो आपके सामने इतने मुद्दे परोस दिए जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस पे बोले और किस पे चुप रहे, ये परिस्थिति पैदा कर दी गई। पिछले 4.5 सालों में इस देश में जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, मैं वादा करता हूँ आप में से किसी को भी ये सारी चीजें याद नहीं होंगी। आपको ये तो याद होगा कि आज गाय माता के नाम पे एक भीड़ के द्वारा इंसान की हत्या कर दी जाती है, लेकिन कितने इंसानों को मारा गया है, वो कौन कौन से नाम है, वो नाम आपको याद नहीं होगा। और यहाँ मैं आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के
उस कोट को याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा संविधान बना रहे हैं जहां 1% = 1 vote और 1 vote = 1 value होना चाहिए। आप सोचिए कि आज 1% = 1 vote ये तो है, लेकिन 1 vote = 1 value नहीं है। ये कैसे है कि मैं आपको याद दिलाता हूं, प्रधानमंत्री जी को तमाम चीज करने की फुर्सत है। इजराइल भी जा सकते हैं, वो अमेरिका भी जा सकते हैं, दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन जुनैद का घर का रास्ता उनको नहीं मालूम है, अखलाक के घर का रास्ता उनको नहीं मालूम है। वो सब लोगों से मिलते हैं, दुनिया भर के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो पत्नियां हैं सबसे इनको मिलने का वक्त है, लेकिन रोहित गंगुला की माँ से मिलने का वक्त नहीं है, नजीब की माँ से मिलने का वक्त नहीं है। इस बात को आप समझिए कि ये एक मानसिकता है, ये एक सोच है, ये महज सरकार नहीं है जो आपके सर के ऊपर आकर के 2014 में बैठी है। ये वो सोच है जो सोच और समानता में भरोसा करता है, इनइक्वालिटी में बिलीव करता है, और इसी इनइक्वालिटी को बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए, जैसे अंग्रेजों ने अपने लूट को बनाए रखने के लिए और टिकाए रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, आज उसी डिवाइड एंड रूल की बदौलत ये जो अंग्रेजों के चमचे हैं ये हिंदुस्तान के भीतर इनइक्वालिटी को बनाए रखने के लिए, इस देश के संसाधनों को लूटने के लिए कास्टिज्म और कम्युनलिज्म का खेल खेल रहे हैं। बात उनको समझना चाहिए, और ये खेल इस तरीके से खेला जा रहा है कि इसमें हमारे लोग भी उलझ जाते हैं, हमारे लोग भी बुरी तरीके से इसमें फंस जाते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कितना बड़ा खेला है, कितनी बड़ी लूट चल रही है जिसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता है। आज खतरे में महज संविधान नहीं है, संविधान के भीतर जो एक एक मूल्य है उसको किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इस देश की जो रवायत रही है उस रवायत को लोग भूल चुके हैं। मुझे बचपन की एक का एक जो गाना है ना, कभी नहीं भूल पाता हूँ, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस गाने से चल करके आज आप देखेंगे रामनवमी राम जी के नाम पर, मतलब राम जी अगर हो, अगर वो ये देख रहे हो तो वो भी सोचेंगे कि मेरे नाम के लिए क्या किया जा रहा है। रामनवमी के दिन डीजे में ये गाना बजाते हैं कि अब मुल्ला भी जय श्री राम बोलेगा, ये भाषा है। पहले क्या था, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये फर्क कैसे आया है, ये फर्क कोई एक दिन में नहीं आया है, और इस फर्क के पीछे वजह क्या है, इस वजह को यदि आप समझना चाहते हैं तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 सालों में इस देश का एकमात्र घराना, एक घराना जिसका नाम है अंबानी, उसको रोज 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 की मैं बात कर रहा हूं, साल और महीने की बात नहीं कर रहा हूं, रोज 300 करोड़ का मुनाफा होता है, 300 करोड़ का। और ये हमारे अखबारों का हेडलाइन नहीं बनता है, ये किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जा सकता है। जब मैं एक उनके चैनल पर बोलने के लिए गया तो मैंने रिलायंस का नाम लिया, तो बाद में एडिटर साहब आकर के बोले कि देखिए ये हमारी रोजी रोटी है, इस पहलू को हम काट देंगे। हम बोले कि आप काट दीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि हिंदुस्तान का इतिहास आपका नाम नहीं काटेगा, आने वाली पीढ़ी इस चापलूसी के लिए आपसे सवाल करेगी, जब मुल्क लुट रहा था तो आप क्या कर रहे थे। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। और ये जो इनइक्वलिटी है, एक दिन में 300 करोड़ का मुनाफा होता है एक कंपनी को, और ठीक उसी वक्त उसी देश की राजधानी में 2 महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। गटर में उतर करके 5 लोगों की मौत हो गई। मैं किसी सुदूर बिहार के गांव की, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की राजधानी का दिन दहाड़े जो गटर में उतर करके साफ करने वाले लोग हैं, जिनको हम सफाई कर्मी कहते हैं, उनकी दम घुटने से मौत हो गई। और यह जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है,
मानव के द्वारा हाथ से जो कचरा साफ किया जाता है उसको यदि खत्म करने में पैसा खर्च किया जाए तो 9000 करोड़ रुपए में इस मैनुअल स्केवेंजिंग को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अकेले माल्या साहब 9000 करोड़ रुपया लेकर के भाग जाते हैं। और ये जो 9000 करोड़ रुपया लेकर के भागे हैं, इनके बारे में हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि नहीं नहीं बस ऐसे ही मुलाकात हो गए थे, चुप चुप रहते हैं, जरूर कोई बात है। ये मुलाकात आसान नहीं है। ये मुलाकात कैसे हो जाती है? कितने दिनों से मामला चल रहा था। देखिए कि तीन झूठ एक साथ बोला गया है, तीन झूठ। पहले वित्त मंत्री कभी आकर के मीडिया के सामने नहीं बोले, कभी उनका ट्वीट नहीं आया, कभी उन्होंने फेसबुक पर नहीं बोला, कभी अपने किसी करीबी मित्र को नहीं बताया कि हमारी माल्या से मुलाकात हुई थी। जब माल्या ने ये कहा, और मुझे माल्या पे कोई भरोसा नहीं है, मैं अपने वित्त मंत्री पे ही भरोसा करना चाहता हूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री पे ही भरोसा करना चाहता हूँ, बहुत दुख की बात है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके ऊपर भरोसा करूँ। वित्त मंत्री कहते हैं कि नहीं, वो तो रास्ते में चलते हुए ऐसे ही हमारी भेंट हो गई थी। माल्या के बयान के बाद उसके बाद आनन फानन में भाजपा हरकत में आती है और भाजपा कहती है कि नहीं नहीं, जेटली साहब तो उस दिन पार्लियामेंट गए ही नहीं थे। और आप मुझे बताइए, या तो जेटली सच बोल रहे हैं या भाजपा झूठ बोल रही है, एक वक्त में दोनों बात कैसे हो सकता है? और इस बात को गुमराह करने के लिए बहुत चालाकी से कहते हैं कि कर्जा तो कांग्रेस के टाइम पे दिया गया था, दिया गया होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। कल को जब आप वोट मांगने के लिए जाएंगे, मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, तो कह दीजिएगा कि हम 5 साल में काम नहीं कर पाए क्योंकि हम कांग्रेस के टाइम पे पैदा हुए थे, इसलिए हमको काम नहीं कर सकते हैं। ये कैसी भाषा है, ये क्या तर्क है, हमको ये बताइए। लोकतंत्र और जमहूरियत को आप कहां सीमेंट करके रख देना चाहते हैं, और इनकी प्राथमिकता क्या है, उस बात को आप समझिए। गैस की बात करते हैं, ये गटर के गैस की, गैस दिखता नहीं है, हम विज्ञान पढ़े हैं, लेकिन इस देश में विज्ञान और तर्क से किसी को कोई मतलब और रहा नहीं है। और खास करके जो सरकार में बैठे हुए हैं उनको विज्ञान तर्क और गणित से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं कि जो नाली से गैस निकल रहा है उससे चाय बनाई जा सकती है, जो गैस दिखता नहीं है वो गैस उनको दिख जाता है, लेकिन जो इंसान दिखता है, जो इंसान रोज गटर में उतरता है और उस जहरीली गैस के चलते मरता है, उसको मरने का दर्द इनको दिखाई नहीं देता है। ये कहते हैं कि हम चंद्रमा पे भेजेंगे, मंगल पे लोगों को भेज देंगे। पहले लोगों को मशीन दे दीजिए। अरे आपके घर में वैक्यूम क्लीनर होगा ना, तो जब आपके घर में वैक्यूम क्लीनर से आपका घर कोई साफ कर रहा होगा तो आप ये सोच नहीं पाते हैं कि सड़क का कचरा कैसे साफ किया जाता है, गटर की सफाई कैसे की जाती है, ये आपको दिखाई नहीं देता है। साहब, इंसान को पहले गटर से बाहर कर दीजिए, फिर मंगल पे भेजिएगा। ये रियलिटी है, इस रियलिटी को आप समझिए। और जमहूरियत का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को टिकाए रखने के लिए, यह जो लूट है, चंद लोग मिलकर के इस देश को जो लूट रहे हैं, उस लूट को बनाए रखने के लिए जमहूरियत को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, इस बात को हम लोगों को बखूबी समझना चाहिए। कह रहे हैं हर बात के लिए कि कांग्रेस जिम्मेवार है, हर चीज के लिए कहते हैं कि कांग्रेस जिम्मेवार है। मेरा प्रश्न ये है कि कांग्रेस से यदि इस देश के लोगों को दिक्कत नहीं हुई होती तो आप देश के प्रधानमंत्री कैसे बने होते? एक सच्चाई की बात है ना, जब दिक्कत हुई तो लोगों ने आपको वोट दिया। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपने वादा किया था कि अच्छा दिन आएगा, और जब लोगों का अच्छा दिन नहीं आया है तो ये सवाल मोदी जी से पूछा जाएगा, ये सवाल नेहरू जी से नहीं पूछा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री आप हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 साल में आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप लाल किला पे खड़ा होकर के झूठ बोलते हैं, और कम से कम अपनी नहीं, अपनी पार्टी की नहीं, तो इस देश की प्रजातंत्र की गरिमा का ख्याल रखिए, प्रधानमंत्री होकर के झूठ नहीं बोलिए, आपको शोभा नहीं देता है।
कहते हैं कि 3 लाख करोड़ काला धन वापस आया और आरबीआई कह रही है, आरबीआई तो अब आपके नियंत्रण में है, सीबीआई आपके नियंत्रण में है, देश की तमाम संस्थाएं आपके नियंत्रण में है, देश में 20 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, आपकी पार्टी के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, आप प्रधानमंत्री हैं और अपने आप को आप मजबूत प्रधानमंत्री भी कहते हैं। आपने कहा है कि आपके 56 इंच का सीना है, हमने तो कभी नापा नहीं है आपका सीना, लेकिन आप जो आपकी नाकामी है उसके लिए आप सवाल नेहरू से पूछने के लिए कहते हैं। ये जमहूरियत में क्या खेला चल रहा है, इस खेला को आप समझिए। खेला ये है कि दिन रात अगर आपको एक ही पिक्चर दिखाई जाएगी तो आपका दिमाग फिर उसी पिक्चर के हिसाब से सोचना शुरू कर देगा। आप कोई भी टेलीविजन खोल करके देखिए किस तरीके से हिंसा आपके सामने परोसा जाता है और किस तरीके से दो युग में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी, बाइनरी में चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि बाकी सवालों को गुमराह कर दिया जाए। क्या ये सवाल हम पूछे थे जब इस देश में देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे? नेहरू नहीं तो कौन, लाल बहादुर शास्त्री नहीं तो कौन, इंदिरा नहीं तो कौन? इंदिरा जी के बाद ये सवाल हमने पूछा था? क्या हमने पूछा था राजीव गांधी नहीं तो कौन, मोरारजी देसाई नहीं तो कौन, बीपी सिंह नहीं तो कौन? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा ये क्यों हो रहा है आज, ये खेल क्यों किया जा रहा है? इस बात को पहले गंभीरता से समझिए। इस बात को इस तरीके से इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक प्रेसिडेंशियल मोड की डेमोक्रेसी में कन्वर्ट किया जाए, और जब प्रेसिडेंशियल मोड की डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तब बहुत आसानी से इनके जो कॉरपोरेट दोस्त हैं, जो रोज 300 करोड़ कमा रहे हैं, उस 300 करोड़ की कमाई के बदौलत जो हजारों करोड़ इस देश की जनता का लूटा गया है, उस पैसे की बदौलत टीवी मीडिया का इस्तेमाल करके, जैसे WWF नहीं होता है, दो लोगों की फाइटिंग हो रही है और लोग ताली बजा रहे हैं और एक आदमी को हंसने के लिए बिठा दिया जाता है कि जोर जोर से हंसे और उसको हंसने के लिए 3000 रुपया दिया जाता है, ये फाइटिंग आपको हर जगह दिखाई देगा। और इस फाइटिंग में इसलिए मैंने कहा कि हमारे लोग भी शामिल हैं। एक कोई व्यक्ति जिसको टोपी लगा दिया है, उसकी बड़ी सी दाढ़ी है, उसको बिठा दिया है, ऐसा लगता है जैसे वही एकमात्र इस्लाम का ज्ञानी है, बाकी किसी को इस्लाम के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और 3000 रुपया देकर के उसको बिठा देते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी जो अपने कपाल से भी बड़ा टीका लगा लेता है, ऐसा लगता है कि टीका लगाने से ही आपके हिंदू होने का प्रमाण साबित होता है, जितना बड़ा टीका होगा उतने बड़े आप हिंदू होंगे, और दोनों को बिठा देंगे और बीच में रेफरी की तरह एक जो है एंकर बैठ जाएगा और फिर WWF की फाइट शुरू हो जाएगी। और ये फाइट जो आप WWF की देखते हैं न्यूज चैनल पे, यही फाइट आपको दिखाई देगा सोशल मीडिया पे, यही फाइट आपको दिखाई देगा फेसबुक पे, यही फाइट आपको दिखाई देगा ट्विटर पे, यही फाइट आपको दिखाई देगा इस देश के ऑफिसों में, यही फाइट आपको दिखाई देगा अस्पतालों में, यही फाइट आपको दिखाई देगा कॉलेजों में, और यही फाइट आपको दिखाई देगा जब आप रात को खाना खाने के लिए बैठेंगे तो आपके डिनर टेबल पे। धीरे 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 आपकी मानसिकता बन जाएगी कि दो लोगों में से एक लोग को हमको चुनना है। अगर दो लोगों में से ही एक लोग को हमको चुनना है तो फिर लोकतंत्र पे हम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि उस दो व्यक्ति को रामलीला ग्राउंड में एक बड़ा सा मैदान बना करके वहां पे बुलाना चाहिए और दोनों की कुश्ती करा देनी चाहिए और जो कुश्ती जीतेगा उसको देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। आप ये साबित करना चाहते हैं? इस देश में राजनीति की अपनी एक विरासत है, अपना एक तौर तरीका है, अपना एक तहजीब है, उस तहजीब को आज खत्म कर देने की बात है। सबसे पहले पार्टी होती है, हमारी भी पार्टी है, तमाम लोगों की पार्टी है, राहुल गांधी साहब की भी पार्टी है, मोदी जी की भी पार्टी है, लेकिन मोदी जी ने जो अपनी पार्टी की स्थिति की है, और ये उनके ही पुराने मंत्री बोल रहे हैं कि ये 2.5 लोगों की सरकार है,
एक मोदी जी, दूसरे शाह जी और आधा जो है वो जेटली जी। ये ढाई लोगों की सरकार उन्होंने कहा है अमित शाह जी का, वो अमित शाह कहते हैं और वो सिर्फ अब पार्टी के लिए नहीं बोलते हैं, वो अब देश के लिए बोलना शुरू किए हैं। क्या कहते हैं? कह रहे थे कि हम 50 साल राज करेंगे। बताइए आज तक नेता क्या कहता था कि हम जनता के सेवक हैं, आप जनता आप मालिक हैं और हम आपके नौकर हैं। अब नेता की क्या भाषा है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा कि हम 50 साल राज करेंगे। ऐसा लगता है कि ये अकबर के जो हैं सुपुत्र हैं, ये देश के शहंशाह बनेंगे अकबर के बाद और ये राज करेंगे। ये कौन सी भाषा है? जमहूरियत में कोई राज करता है? किसी को राज करने का अधिकार है? आप एक एक भाषा पे गौर फरमाइए, फिर आपको पता चलेगा कि देश की ये हालत कैसे बनी है। प्रधानमंत्री कौन होगा? कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा? पहले ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी ना, पहले कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा। कि वो 3000 देकर के जो दो लोगों को बुलाया गया है और वो एंकर जो अपने आप को इस देश का मालिक समझता है, उसको लगता है कि उसने माइक पकड़ ली तो इस देश का मुस्तकबिल लिखेगा, वो इस देश का मुस्तकबिल इस देश की जनता लिखेगी, आप टीवी स्टूडियो में बैठ करके नहीं लिखेंगे। और ये जो तरीका है, इस तरीके से इस देश की जनता की मानसिकता को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है और ये कैप्चराइजेशन का काम पहले इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा शुरू हुआ था। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा कैसे शुरू हुआ कि आप मान लीजिए क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और आपको सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के कहने पे आप इन्वर्टर क्यों खरीदेंगे ये मुझे बता दीजिए। वो क्रिकेटर हैं, इन्वर्टर बनाने वाले वैज्ञानिक नहीं है कि उनके कहने पे हम इन्वर्टर खरीद लेंगे। ऐसे आपके दिमाग को कैप्चर किया जाता है। दिन रात आपको यदि कहा जाएगा कि पतंजलि का फेस वॉश लगाने से आपका चेहरा भी गोरा होगा और देश को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, तो आपको लगने लगता है कि सही बात है कि पतंजलि का फेस वॉश लगा करके हम देशभक्त बन जाएंगे। सुबह जाते हैं पतंजलि का फेस वॉश खरीद के लाते हैं और मुंह में लगाते हुए सोचते हैं जो है हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। देश की मिट्टी से टाइल्स बनता है, एक ही कंपनी का टाइल्स देश की मिट्टी से बनता है कि तमाम टाइल्स जो है वो देश की मिट्टी से ही बन रहा है। और आपने कभी ऐसा सुना है शुद्ध देसी घी? अरे घी देसी ही होता है, विदेश में कहीं घी आपको खाने को मिला है? ये भारत में ही घी मिलता है और इसीलिए आप घी को खोजिए डिक्शनरी में, उसका कोई अंग्रेजी में आपको शब्द नहीं मिलेगा। आपको अंग्रेजी डिक्शनरी में घी का घी ही लिखा हुआ मिलेगा, उसका कोई अंग्रेजी नहीं मिलता है। ये शुद्ध देसी घी, अब उसके साथ गाय भी लगा देते हैं, शुद्ध देसी गाय का घी। ये क्या है? ये है आपकी सोच को पहले कम्युनल बनाया जाएगा, आपके सोच को पहले कास्टिस्ट बनाया जाएगा, फिर आपके जो सोचने की तर्क करने की वैज्ञानिक तरीके से चीजों को देखने का जो आपका नजरिया है उस नजरिए को खत्म करके आपको उल्लू बनाया जाएगा। उल्लू, और ये उल्लू कैसे बनाते हैं लोग? जब आप स्टेशन के बाहर कई बार जादूगरी का खेल देखते होंगे तो जादूगर बड़ी चालाकी से हाथ की सफाई से इस हाथ का सिक्का मुंह में डाल लेता है, मुंह का सिक्का हाथ में डाल लेता है और आपको लगता है कि बाप रे बाप ये कितना टैलेंटेड आदमी है, ये पैसा बना सकता है। तो अगर ये पैसा बना सकता है तो इस देश में RBI की क्या जरूरत है? उस जादूगर को ले चलिए RBI में बिठा दीजिए, उसको मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मुंह से सिक्का निकालता रहेगा देश के लिए। इतना बढ़िया जादू अगर उसको आता है, फिर हमको परमाणु बम की क्या जरूरत है? हमको मंगल पे भेजने की क्या जरूरत है? वो किसी भी इंसान को कबूतर बना करके मंगल पे भेज देगा। ये खेला है दोस्त, इस खेला को आप समझिए, इस खेला को आप समझिए कि पहले आपको 9 बजे प्राइम टाइम में WWF का फाइट दिखाएगा, फिर 2019 में कौन बैठेगा गद्दी पर? वो गद्दी भी जो है राज सिंहासन होता है, वो PMO नहीं होता है, वो राज सिंहासन होता है। आपके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि आप कुछ नहीं है और आपका ये जो संवैधानिक अधिकार है
वन पर्सन इक्वल टू वन वोट और वन वोट इक्वल टू वन वैल्यू, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह गया है। वो राज सिंहासन पे कोई बैठेगा और वो आपका मुस्तकबिल लिखेगा। मैं उनको कह देना चाहता हूँ, इस मुल्क के इतिहास को आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, पढ़े होते तो इतिहास में फेल नहीं होते। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही है कि जो इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास बना नहीं सकता है। और मैं आपको बता देता हूँ, इस देश की जनता अपना इतिहास भूली नहीं है। और ये इतिहास जब हम याद करते हैं तो हमको ये याद करना चाहिए कि इस देश में जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमने इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की थी। जिस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग तरीके से हमारे दिमाग में भरने की कोशिश की जा रही है, हर जगह आपको वो युग्म दिखाई देगा। हिंदू मुसलमान, दलित ब्राह्मण, राहुल गांधी, मोदी जी, हर जगह आपको वो युग्म दिखाई देगा। फेरन लवली लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, आपको बार बार सुनाया जाएगा कि आप फेरन लवली लगा लीजिए, आपका मुंह गोरा हो जाएगा। मुझे एक आदमी बता दीजिए कोई जिसका फेरन लवली लगाने के बाद मुंह गोरा हो गया हो, ऐसा होता है क्या? क्या ये हो सकता है? ये क्यों हमारे सामने परोसा जाता है? ये हमारे सामने इसलिए परोसा जाता है कि इस देश के सवालों पे हम विचार नहीं करें, हम अपने आप को दोष देना शुरू कर दें। इसीलिए सुबह सुबह आपको व्हाट्सएप मैसेज आता है कि ये 10 लोगों को भेज दीजिए, आज आपके जीवन में चमत्कार होगा। पलट करके उससे पूछ लीजिए, तुम्हारे में हुआ? हम 10वां आदमी है कि 9वां आदमी है ये बता दो। जब तुम्हारे जीवन में 10 आदमी को भेजने से चमत्कार नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि हम 10 को भेज देंगे तो चमत्कार हो जाएगा? पहले आपकी जो जीवन के दर्द है उस दर्द से खेला जाता है और आपको पहले उस ट्रैप में लिया जाएगा कि आप 10 लोगों को चमत्कार के आशा में एक बार फॉरवर्ड बढ़ने करने का आदत सीख लीजिए। फिर जब आपको एक बार आदत लग जाएगी तब आपको कहा जाएगा कि देखिए किस तरीके से मंदिरों में जो है गाय को काट करके फेंक दिया गया है, और आप बिना सोचे समझे उस मैसेज को 10 नहीं 100 लोगों के पास भेज देंगे। इसी तरीके से बोला जाएगा कि देखिए किस तरीके से सुअर काट करके मस्जिदों में फेंक दिया गया है, और आप बिना सोचे समझे उसको 10 क्या 100 लोगों के पास भेज देंगे। ये जो खेल है इस खेल को आपको समझना चाहिए। और इंसान होने के चलते एक मिनट सोच करके देखिए, रात को जो टीवी पे प्रचार आता है कि लक्ष्मी धन वर्षा खरीद लीजिए, ये यंत्र खरीदने से आपकी गरीबी मिट जाएगी, तो उससे पूछना चाहिए इन बेचने वाले से, रे दोस्त जब तुम्हारे पास ये यंत्र था तो तुमको 2,000 रुपए में बेचने की क्या जरूरत पड़ी? तुमको पैसे की क्या जरूरत है? तुम लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र अपने घर में लगाओ और धन की वर्षा कराओ, तुम रात को आकर के टीवी पे इसको क्यों बेच रहे हो? ये जो स्थिति है इस देश के भीतर, इस स्थिति के चलते आज हम नौजवानों की हालत ये हो गई है कि हम क्यों बेकार हैं इस बात को हम सोच नहीं पा रहे हैं। इस देश में क्यों हिंदू मुसलमान किया जा रहा है इस बात को हम सोच नहीं पा रहे हैं। इस देश में क्यों मंदिर मस्जिद किया जा रहा है इस बात को हम सोच नहीं पा रहे हैं। और हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते हैं इस बात को सोच करके, इस देश में पहली बार दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर पार्लियामेंट के ठीक बगल में संविधान की कॉपी जलाई गई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, और खुलेआम भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हम संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू करेंगे। और आज सूचना की स्थिति यह है, सूचना क्रांति हो जाने के बाद भी कि लोगों के पास सही सूचना नहीं है। मनुस्मृति को लेकर के लोग समझते हैं कि मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ है, जबकि मनुस्मृति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। समाज के भीतर जो जात पात है उस जात पात को कैसे बना करके रखा जाए, इसीलिए मनुस्मृति लिखी गई है। और मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है कि इस देश में जिनको हम दलित कहते हैं मनुस्मृति में उनको शूद्र कहा गया है। शूद्र और महिलाओं का काम सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का है, ये साफ साफ लिखा गया है। उनका काम है कि वो बाकी समाज के जो लोग हैं उनका सेवा करें, और वह जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है उस व्यवस्था में कहा गया है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, सारा ज्ञान जो है वो ब्राह्मणों के पास होगा, सारा अधिकार ब्राह्मणों के पास होगा, बाकी सभी जातियों का काम है कि वो ब्राह्मणों की सेवा करें, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ये मनुस्मृति साफ साफ इस देश के जो मुट्ठी भर अमीर है, जो मुट्ठी भर तथा कथित ब्राह्मण जो अपने आप को उच्च जाति के समझते हैं,
उनके अलावे तमाम जातियों और तमाम धर्मों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ है ये मनोस्मृति। इस बात को लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बात नहीं समझते हैं कि प्रधानमंत्री जो किताब लिखे हैं, आई डोंट नो वो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, डिग्री वाली बात तो आज तक बताया नहीं, तो किताब भी लिखे हैं नहीं लिखे हैं कौन जानता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हीं की किताब है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो कचरा साफ करने का काम है उसे आध्यात्मिक सुख मिलता है। ये बात वो कहां से बोलते हैं? ये बात वो मनुस्मृति के आधार पर बोलते हैं। ये मोदी जी के विचार नहीं है, ये मनुस्मृति के विचार हैं। और जब ऐसा है, मैं तो उनकी हर बात को मान लेता हूं। बोली जनता, भोले लोग, प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कहते ही हैं, कि ये तो आज तक वो कुछ है नहीं, कहना कहना ही उनका काम है, तो वो कहे और हम मान लिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर कचरा उठाना आध्यात्मिक सुख है तो मोदी जी दुनिया का चक्कर क्यों लगा रहे हैं, मंदिर मंदिर क्यों घूम रहे हैं, मस्जिद में भी अभी गए थे, ये जाने की क्या जरूरत है? सुबह उठे हैं और योगा करने की बजाय गटर में डुबकी लगाना शुरू कर दें, उनको आध्यात्मिक सुख मिले? ये क्या है? ये लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। और लोगों को ये बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? लोगों को बेवकूफ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोग सच की पड़ताल ना करें। और इनके जो दोस्त हैं एक पे एक, पहला जो है छक्का सिक्सर मिड ऑफ पे जो है वो माल्या साहब मारे 9,000 करोड़ का, फिर जो है पारी, लोगों ने कहा कि भाई गुजराती कैसे पीछे रहेगा, तो आगे हमारे नीरव मोदी जी वो 35,000 करोड़ का चपत लगा गए, उनके साथ चौकसी बोले कि हम भी इनके लिए जो है बगल से रनिंग करेंगे, और सब रनिंग कर रहे हैं लगातार। आए दिन ये खबर आती रहती है कि कोई 5,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 20,000 करोड़ लेकर के भाग गया, और आपकी हालत वैसे ही हो गई है जैसे मॉब लिंचिंग के वक्त हुई थी। अब कोई खबर आता है तो आप उसको अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, अखबार के पन्ने पलट करके आप आगे बढ़ जाते हैं, और आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं कि गाय के नाम पे एक इंसान को मार दिया गया। आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं कि आपका पैसा लूट करके ये लोग भाग रहे हैं और इन लुटेरों को प्रधानमंत्री भगा रहे हैं, ये बात आप सोच नहीं पाते। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश में अभी जो एनपीए है वो 10,00,000 करोड़ रुपया हो चुका है, 10,00,000 करोड़। और 10,00,000 करोड़ का मतलब यह है कि बहुत सारे बैंक जो हैं, बहुत सारे बैंकों को ये मालूम नहीं है कि उनके सारे के सारे कस्टमर यदि उनके बैंक के बाहर लाइन लगा दें तो वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाएंगे, अपने सारे खाता धारकों को उनका पैसा वापस करने के लिए पैसा इनके पास नहीं बचाएगा। और इस देश की हकीकत क्या है कि जो सबसे कमजोर लोग हैं, या जो समाज की संरचना है, इसकी जो बुनियाद है, उस बुनियाद को आप समझिए कि ऊपर का जो मंजिल होता है वो सबको दिखाई देता है, मकान का जो बुनियाद होता है वो लोगों को दिखाई नहीं देता है। लेकिन मकान यदि डिसबैलेंस हो जाए, उस डिसबैलेंस होने के चलते और संतुलन के चलते सबसे ज्यादा भार किसके ऊपर पड़ेगा? वो बुनियाद के ऊपर सबसे ज्यादा भार पड़ेगा। यह जो इनइक्वलिटी है समाज की, यह जो लूट है, उसका असर आपको समाज के जो सबसे मार्जिनलाइज तबके के लोग हैं उनके ऊपर आपको दिखाई देना शुरू हो चुका है। और एक एक करके मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि आप कोई भी हो, आप मान लीजिए एक्स डीजीपी हैं, आप एक्स एमपी हैं, एडिटर हैं, आप नेता हैं, आम जनता हैं, पत्रकार बंधु हैं, किसान अगर आपके लिए अनाज नहीं पैदा करेगा तो आप क्या खाएंगे? जो सबसे बुनियादी तबका है समाज का, और किसानों की हालत क्या है? एक साल में 12,000, ये नंबर नहीं है, 12,000 इंसान आत्महत्या कर चुके हैं। और इन कम ये जो किसान है, इनको कहते हैं कि इनका आय हम दोगुना कर देंगे, कैसे कर देंगे ये नहीं पता है, बस बोल देंगे, बोल देंगे, जनता मान लेगी, जनता मान ही लेती है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, जनता ने मान लिया, आय दोगुनी कर देंगे। और इनको जो बीमा देने वाली कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। आप मजदूरों की हालत देख लीजिए, मजदूरों को आज के डेट में कुछ नहीं मिलता है, उनको उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, उनको जो है पीएफ नहीं है, उनको ईएसआई नहीं है, उनको ओवरटाइम नहीं मिलता है,
उनका पेंशन खत्म किया जा चुका है, एक एक करके इस देश की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उसको बंद किया जा रहा है, और यह सब कुछ हमारे आंख के सामने में हो रहा है। पीएम पेटीएम बन जाते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, बीएसएनएल को बेच बेच करके मोदी जी जियो जियो करने लगते हैं और हमको दिखाई नहीं देता है। ये हमको देखना चाहिए कि क्या है मेक इन इंडिया की सच्चाई, क्या है इस देश के भीतर स्किल इंडिया की सच्चाई, एक एक बात को हमको समझना चाहिए। आपको जियो का प्रचार करने के लिए फुर्सत है, बीएसएनएल का प्रचार करने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में सबसे पहले किसने सिम लॉन्च किया था, बीएसएनएल ने लॉन्च किया था। एमपी साहब को याद होगा कि एमपी कोटे से लोग सिम लिया करते थे, जैसे पहले एमपी कोटे से लोग एलपीजी का कनेक्शन लिया करते थे। जब देश तरक्की करती है तो सबको सिम मिला और सबको एलपीजी मिला। जो अच्छा होता है वो प्रधानमंत्री की वजह से होता है और जो बुरा होता है वो नेहरू जी की वजह से होता है, यही ये साबित करना चाहते हैं। और बीएसएनएल ने सबसे पहले 3G लागू किया था, 3G के बाद बीएसएनएल चाहती तो 4G और 6G भी लागू कर सकती थी। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 4G जो जियो के द्वारा लागू किया गया है वो बीएसएनएल की बदौलत लागू किया गया है। बीएसएनएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करके लागू किया गया है, और ये जो 4G है ये जियो के द्वारा जो दिया जाने वाला 4G है ये 2G से भी बहुत बड़ा स्कैम है, इस बात को आप समझ लीजिए। उसमें सिर्फ स्पेक्ट्रम बांटे गए थे, इसमें जो है पूरा का पूरा जो बीएसएनएल का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को जियो को रेंट आउट कर दिया गया है। और यह जो लूट है उस लूट के पीछे जो मानसिकता है उस मानसिकता को समझिए। आज के समय में जो कॉर्पोरेट लूट चल रहा है उस लूट के बारे में एक बात कही जाती है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। और ये सोशलाइजेशन ऑफ लॉस क्या होता है कि माल्या साहब जो 9,000 करोड़ लेकर के भागे हैं वो आपके खाते से काटा जाएगा, और आप में से बहुत सारे लोगों का जो अलग अलग बैंक में खाता होगा इस बात को वो जानते होंगे कि अचानक से उनके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि 150 रुपया उनका काट दिया गया। किस बात के लिए काट दिया गया है वो उनको समझ में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब कहा गया कि सबको जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलना चाहिए तो लोगों ने धड़ाधड़ अकाउंट खुलवाया। पहले कहे कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाइए और उसके बाद बोले कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कीजिएगा तो आपसे फाइन वसूला जाएगा। और SBI की हालत यह है कि उसको जितना मुनाफा हुआ है उससे ज्यादा पैसा उसने फाइन में वसूल लिया है, ये सच्चाई है। ये जो लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं इस देश के जनता के आम लोगों का टैक्स का पैसा है, ये बात हमको समझना चाहिए। और ये जो इतनी बड़ी लूट चल रही है हर एक सेक्टर में, जिस तरीके से रेलवे के स्टेशन बेचे जा रहे हैं, जिस तरीके से एक एक करके जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उसको बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षा का लगातार बजट कम किया जा रहा है, हेल्थ का लगातार बजट कम किया जा रहा है। आप मुझे बताइए आयुष्मान भारत का ये इतना बड़ा एग्जाम्पल दिए हैं, एक व्यक्ति पे ये 44 रुपया खर्च कर रहे हैं, 44 रुपया में ठीक से आप पारासीटामोल भी नहीं खरीद पाइएगा अपने पूरे परिवार के लिए। और ये कहते हैं कि हम आपको जो है स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं। ये जो हकीकत है इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। हकीकत ये है कि कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए ना कि जब आप मेक इन इंडिया का नारा दिए हैं तो राफेल का टेंडर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को क्यों नहीं दिया गया, एक प्राइवेट कंपनी को क्यों दिया गया, ये सवाल पूछना चाहिए ना। ये पूछना चाहता हूं कि जब आप स्किल इंडिया की बात करते हैं तो क्या इस देश में मूर्ति बनाने वाले लोग नहीं हैं? इससे पहले सरदार पटेल से पहले इस देश में किसी की मूर्ति नहीं बनी है? क्या इस देश के मूर्तिकार मूर्ति नहीं बना सकते हैं? क्यों सरदार पटेल की 3,000 करोड़ से ज्यादा की लागत में जो मूर्ति बन रही है गुजरात में उसका ठेका जो है वो चाइनीज कंपनी को दिया गया है? ये हकीकत हमको समझना पड़ेगा। इतना बड़ा जो लूट चल रहा है उस लूट की सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा, और इस लूट की सच्चाई को हम ना समझें इसीलिए इस देश के भीतर आज जो सबसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं उनको अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। और सबसे आसान टारगेट कौन है? मुसलमान। क्योंकि मुसलमान को पकड़ लो और उससे उसकी गलती का सजा मत लो, बाबर की गलती का सजा लो उससे। कोई भी मुसलमान पकड़ लो और जो है पंडित थे
दोनों की जबरदस्त दोस्ती थी। वो गाना इतना मशहूर है, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देश सेवा करने लगोगे। हमारे इस्लाम में पुनर्जन्म की बात नहीं है। मैं कहता हूँ